तू यू हो ना जानत पड़ा कि यह सीता के पति राम हमार बलशाली राक्षस खर और दूषण के वध कैलस। दंड कारण्य में रहे वाला हमने के हजारों राक्षस के मृत्यु के गोद में सुला दिलस। हम ना जाना दानी भैया, हम सचमुच ना जाने नी। कहे से कि तू साल में 6 महीना सुतल रहेला, तो के अभू कुछो नेखे दिखाई देत कि हम सीता के हरण अपन अपमान के प्रतिशोध लेबे खातिर कैनी हा। यदि राम में परुषता और वीरता होखी तू हमरा से अवश्य टकराई, फिर हम देखाइब कि रावण के अपमानित करे के परिणाम का हो खेला। यदि यह तुहार प्रण बा तो हम प्रण तोड़े खातिर ना कहब, परंतु लंका महल में एकरा रखल महारानी मंदोदरी खातिर अपमान होखी। अपमान होखे या ना होखे हमके एकर परवाह नहीं खे। भैया हमार एक विनती सुन ली, भले एकरा मुक्त ना करी, लंका में बंदरी बना के राखी, परंतु ई महल में ना। स्वामी कुमकरण भैया ठीक कहत बाड़न, हम हो रउआ से यह प्रार्थना करत बानी कि एकरा ई महल से दूर ले जाई। कुमकरण हमके तुहारी परामर्श स्वीकार बा, हम सीता के अशोक वाटिका में बंदी बना के राखब। केहू बा? आज्ञा महाराज। एकरा अशोक वाटिका में ले जाई जाए और राक्षस वीरांगना के पहरा पर लगा दिया जाए। जौना ना क्या महाराज। छोड़ दो हमके, हम भाग के कहीं ना जाई। छोड़ दे इकरा, के है और एकरा पकड़ के काहे रखले बाड़ू। लंकेश्वर एकरा के अशोक वाटिका में बंदनी बनावे के आदेश देले बाड़न और ई हमनी के पहरा में ही रही। बंदनी रौड नाम का बा? ए बंदनी बोलत काहे नहीं खू कि तोहार नाम सीता बा और लंकेश्वर तोहरा के अपन रानी बनावे खातिर यहाँ लाइल बाड़न। चुप रहा, तोहार दुष्ट स्वामी के नाम सुनल भी हमरा खातिर पाप बा। पाप? हमनी राक्षस लोग के नगरी में पाप ना हो खेला और पाप का हो खेला इहो हम ना जाने नी। लागेला ई बहुते दुखी बाड़ी, एकरा और दुखी करके हमनी के का मिली। लंकेश्वर के आदेश बा के ई बंदनी पर तीव्र दृष्टि रखल जाए और एकर कौनो भी बात पर ध्यान ना देवल जाए। हमके पूरा विश्वास बा ई एहजा से भागे के प्रयास ना करी और एकर बात पे ध्यान देवल हमनी के कर्तव्य बा। ना। एकर कौनो भी बात पर ध्यान ना दिहल जाए और एकरा हमार बात माने पर विवश कइल जाए। कदापि ना, जे दुष्ट पुरुष होके एगो महिला के सम्मान ना करेला ओकर बात मानल तो दूर, ओकर बात सुनल भी हम ना चाहे नी। तुहारी गर्भ के हम एक स्पर्श में नष्ट कर देब सुंदरी। ओ जे रुक जा दुष्ट, तू अत्याचारी प्रपंचक बन के हमार स्पर्श कैले रहला, उस समय हम निर्बल हो गेल रहनी, भाई हमार मन के विवश कर देले रहे, परंतु अब हमार सतीत्व तेज जाग उठल बा, इतिनका हमार सतीत्व और मर्यादा के रक्षक बा। यदि इतिनका के लांग के तू हमरा के स्पर्श करके चेष्टा कैला तो देखा थी देखा तू भस्म हो जाइबा। हम अपना सामने आवे वाला बड़का बड़का दिग्गज और महाकाय पर्वत के भी परवाह ना कैनी, ये तुच्छ तिनका हमार कुछ ना बिगाड़ सकी। रावण जे चाहेला वे पावेला, वो कोनो बाधा से डरे वाला नहीं खे। यदि साहस बा ती तिनका के सीमा के लांग के हमके छुए के चेष्टा करे दोस्त, तो हके पता चल जाई कि हमार सतीत्व में कितना बल बा। अपराध क्षमावा लंकेश्वर, हम ई बंदनी के समझावे के चेष्टा करब, ये अधिक समय तक राउर विरोध ना कर पाई रउआ निश्चिंत रही। ठीक बात रिजटा, तू ही अशोक वाटिका के मुख्य प्रहरी बाड़ू, एकरा मनावे के काम हम तोहरा पर सौंपत पानी। प्रणाम शिव शंकर। हनुमान
आज तुहारी मुखमंडल पे चिंता की रेखा कैसन? कहा का बात बा? प्रभु करवा न जाने ली कि हमार सबसे बड़ चिंता श्री राम के विषय में बा, अर्थात ये विचित्र घटना काहे घटित हो रहल बाड़ी। हनुमान जे कुछ भी हो रहल बा वो विधि के विधान के अनुसार ही हो रहल बा। प्रभु ये विधि के विधान के विषय में ही बात कर रहल बानी। पहले तो श्री राम के 14 बरस के वनवास दिहल गए, फिर उनका राक्षस लोगन के साथे मुठभेड़ भइल, और फिर देवी सीता के हरण भइल, और अब श्री राम के करुण पुकार सुन के तू व्यग्र हो रहल बाड़ा, ये कहे के चाहताड़ा ना? हाँ प्रभु। हनुमान हम तोरा समझाइब, हम तोरा शांत करे के प्रयास करब। पहले ही बतावा नारद मुनि के शपथ देवे के बाद इस समय तू श्री राम के सहायता कैसे कर सकत रहला? यह तो हमार व्यग्रता के कारण बा प्रभु, कि चाहला पे भी और सारा शक्ति होकला के बाद भी हम कुछ न कर सकेली प्रभु, कुछ न कर सकेली। प्रभु हमके देवर्षि नारद के शपथ से मुक्त करी, ताकि इस समय हम प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर उनकर सहायता कर सकें। हनुमान तुहार सहायता के बिना श्री राम देवी सीता के फिर से प्राप्त ना कर सकेलन, यही से इस समय तू ऋषिमुख पर्वत जाके श्री राम के ओहिजा आवे के प्रतीक्षा करा। ये विधि के विधान बा, इतना भली भांति जान ल कि समय से पहले कोनो कार्य न हो खेला, और समय आवे पर कौनो कार्य रोकेला ना। यही से कहेली हनुमान शांत हो जा, यही में तुहार कल्याण बा। जैसन राव रिच्छा प्रभु। आयुष्मान भावा हनुमान, संकट मोचन के रूप में तुहार नाम अजर अमर रही। प्रणाम शिव शंकर। कल्याण होके। भोजन ग्रहण करी देवी। नाथ त्रिजटा, हम रावण के अन्न जल ग्रहण ना करब, ये हमार प्रतिज्ञा बा। का प्राण देवे की विचार बा देवी सीता? सुबटा, हमने के समाचार लंका पति तक पहुंचाए के चाहिए कि देवी सीता अन्न जल ग्रहण ना करके अपन प्राण त्याग देवे के चाहेली। चल लंका महारानी मंदोदरी राव अशोक वाटिका में स्वागत बा। त्रिजटा, हम ऐजा गुप्त रूप से अहलबानी, लंकेश्वर के हमार ऐजा आवे के पता ना लगे के चाही। जो ना गया महारानी। सीता बहन मंदोदरी रहुआ, प्रणाम। प्रणाम। सीता, हम अपन पति के विरुद्ध विशेष तो कुछ ना कर सकेनी, परंतु हम तोहरा से विनती करतानी। लंका के महारानी आज हमार प्रति जे सहानुभूति दिखाईली है ना, ओकरा खातिर हम कृतज्ञ बानी। सीता, हम तोहरा से ही कहे आयल बानी कि अपन स्वामी के कुशल क्षेम के कामना लेके आयल बानी का सती मंदोदरी। हम जानत आनी हर पतिव्रता नारी के इहे कर्तव्य होखेला, परंतु हमहू विवश बानी बहिन, तोहार स्वामी श्री राम के विरुद्ध ऐसन अपराध कैले बाड़े जे क्षमा के योग्य नहीं खे। हाँ सीता,
हमार अपराध क्षमा योग्य बाकी ना, एकर निर्णय शीघ्र ही हो जाई, जब तोहार बनवासी राम तोहार खोज में भटकत भटकत अपन प्राण दे दी। मंदोदरी, हमरा से छुप के तो एजा आवे के जे अपराध कैले बाड़ू वो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं खे। हम पूछत बानी के तोरा अपन प्राण से तनिक भी मोह नहीं खे। का तू यूह ना जाने लू कि रावण से षड्यंत्र करे के अपराध के दंड केवल प्राण दंड ही हो सकेला। लंकेश्वर रावण, देवी मंदोदरी एजा आके। चुप रहा। मंदोदरी देवी ना, राक्षस महारानी बाड़ी। यदि राक्षस महारानी से देवी बने के चाहता रही तो हम एकरा यह समय स्वर्ग लोक पहुंचा दे, एकर गर्दन धड़ से अलग करके। तोहरा जैसन हृदय हीन राक्षस से और आशा भी का करल जा सकेला रावण? तोहरी पतिव्रता धर्म पत्नी तोहरा खातिर कुशल छे मंगल कामना लेके आयल रहली और तू एकर गर्दन उड़ा देवे चाहता रह। कुशल छेम के कामना लेके आयल रही तोहरा पास, जे स्वयं हमार अधीन बाड़ी, हमार कृपा के आकांक्षी बाड़ी। मंदोदरी, हम सोचले रही कि सीता के अपन पटरानी बना के राज सिंहासन पर बिठाई और तू चुप रह दुष्ट। ऐसन अपशब्द मुंह से निकाले से पहले तू हमार गर्दन काहे ना उड़ा देत बाड़ा? लंकेश्वर रावण, उड़ा दे हमार गर्दन, रावण बहुत उपकार हो कि हमरा ऊपर। परंतु लंका के पटरानी बनावे के बाद हमसे कह के हमार सतीत्व के अपमानित मत कर। तू हमार तन मन श्री राम के चरण में समर्पित बा, उनकर सिवा कौनो अन्य पुरुष हमार स्वामी बन नहीं खे सकत, और ये बात हम सात जन्म में भी नहीं की सोच सकत। सात जन्म में भी ना। स्वामी, यदि रोआ हमरा से रुष्ट बानी ता हमार प्राण ले ली, हम उफ तक ना करब, परंतु सीता के अपमानित ना करी। एगो सती के हाय रवा के कहियो के ना छोड़ी। मंदोदरी, तू हमार धैर्य के सारा सीमा के लांग के हमरा चुनौती देत बाड़ू कि हम तो के ऐजे समाप्त कर दी, परंतु हम तोहार पिता मयासुर के वचन देले बानी कि हम तोहार रक्षा अंत तक करब। जा चल जाए यही समय हमरा सामने से, अन्यथा हम अपना आप के वश में ना कर पाईब। यही समय हमरा आँख से दूर हो जा। जा बहिन, चल जा, अन्यथा तू अवश्य रावण के राक्षसी क्रोध के भेंट चढ़ जाइबू। हम तोहरा के वचन देतानी कि हम तोहर कामना के सम्मान करब। लंकेश्वर की जय होखे। कहा का कहे आयल बड़ू तू त्रिजटा? देवी सीता ऐजा अंजल ना ग्रहण करे के निश्चय कैले बाड़ी, रउआ की बात बतावल हमार कर्तव्य बा। तो तू अपन नारी हट प्रारंभ कर देले बाड़ू सीता, अन्न जल ग्रहण ना करके तू अपन प्राण दे देबे के चाहत बाड़ू? अपन सम्मान के रक्षा करे खातिर प्राणो सर करल हर सती के धर्म होखेला रावण। लंका पति के सामने केहू के हट टिक ना सकेला सीता। हमरा पास ऐसन ऐसन सिद्धि बा जिनकर द्वारा हम नींद में भी भोजन करा के तो के जीवित रख सकेनी। सीता के हिजा लंका के पटरानी बनावे खातिर ले ले रही, ओकर प्राण लेबे खातिर ना। अब भी सोच ल सीता, तोरा जीवित रहे के ही पड़ी और हमार हर इच्छा के सम्मान करे के पड़ी। ई लंकापति रावण के प्रण ह। कैसन परीक्षा पा हमार श्री राम, हम रहुआ बिना एक पल भी जीवित ना रहे के चाहे नी, एक पल भी ना। रहुआ हमरा याद कहनी परमपिता? हाँ इंद्रदेव, सुन ले बानी रहुआ अपन पुत्र बाली खातिर बहुत चिंतित बानी। हाँ ब्रह्मदेव, बाली के मन में भ्राता सुग्रीव खातिर शत्रुता कौन सीमा तक पहुंच चुकल बा, ये देख के हम स्वयं चकित बानी। हम उकरा समझावे के चेष्टा भी कईनी, परंतु अब बाली के मन से शत्रुता के भावना निकालल असंभव बा देवराज। वो लंबा समय से राउर आराधना कराता, कृपया उकरा इच्छित वरदान देके शांति प्रदान करी ब्रह्मदेव। हमार आराधना करत
तपस्या करे वाला बाली के हम अवश्य वरदान देव देवराज, परंतु ओकर भाग्य के लेख के तो हमहू ना बदल सके नी। हम यह जाने खातिर ललायत बानी ब्रह्मदेव, बाली और सुग्रीव के शत्रुता के अंत कहाँ होखी? प्रारंभ के साथे ही अंत भी जुड़ल होखेला इंद्रदेव। जौना प्रकार जन्म के साथे मरण के संबंध अटूट होखेला, वही प्रकार ई शत्रुता के अंत भी बाली के मरण के साथे ही होखी। अर्थात रउआ ई कहल चाहते नहीं कि बाली सुग्रीव के हाथ मारल जाए? हम ई तो ना कहनी इंद्रदेव। तो फिर बताई बाली केकर हाथे मारल जाए? बाली के सदगति होखी और ओकरा अपन मरण के कोनो पछतावा ना होखी। एह समय हम रउआ के इतना ही बता सकत बानी देवराज, रउआ ओकर चिंता से मुक्त होखी। परंतु हम राउर स्मरण एगो विशेष कार्य से कैले बानी। विशेष कार्य? आज्ञा दी ब्रह्मदेव। लक्ष्मी के अवतार देवी सीता एह समय रावण के बंदिनी बनके लंका के अशोक वाटिका में अन्न जल के त्याग कर चुकल बाड़ी। रउआ उनका दिव्य पायस देके उनकर क्षुधाग्नि एगो लंबा समय तक खातिर शांत कर दी। दिव्य पायस अर्थात दैवी खीर लेके हम सीता के पास अवश्य जाए ब्रह्मदेव। ई कार्य रउआ हमरा सौंपनी, एकरा खातिर हम राउर कृतज्ञ बानी। मध्य रात्रि के नीरो प्रहर में जब लंकावासी निद्रा में मग्न होखियन, रउआ देवी सीता के दिव्य पायस प्रदान करी और उनका आश्वासन दी कि राक्षसन के विरुद्ध दैवी शक्ति प्रबल होखी। जवन आज्ञा ब्रह्मदेव। और राउर पुत्र बाली की तपस्या के सफलता के संदेश पहुंचावे, हम शीघ्र ही ओहिजा प्रकट होखब। राउर कल्याण होखे देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न होखे। 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 ब्रह्मदेव हमार अशांति के अंत करी, हमार धैर्य के और परीक्षा ना ली। ब्रह्मदेव प्रसन्न होखे। ब्रह्मदेव प्रसन्न होखे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।